नमस्कार, मैं हूं प्रगति गुप्ता और आप देख रहे हैं आयुषो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल परंतु महत्वपूर्ण प्रोसीजर के बारे में जिसका नाम है अक्षी तर्पणा। तो क्या है ये अक्षी तर्पणा? अक्षी तर्पण दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्षी एवं तर्पण। अक्षी यानी आंखें और तर्पण यानी पोषण करना, यानी जिस विधि के द्वारा आंखों का पोषण करा जाता है वह अक्षी तर्पण कहलाता है। अक्षी तर्पण को करने के लिए बेसिकली मेडिकेटेड का प्रयोग करा जाता है। इंडिकेशंस ऑफ अक्षी तर्पणा। अक्षी तर्पणा इज यूज्ड इन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम, रिफ्रैक्टिव एरर्स, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, स्ट्रेन इन द आईज, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन एंड सो ऑन। हाउ टू परफॉर्म द प्रोसीजर। सबसे पहले उड़द के आटे को गूंथकर तैयार कर लेना है। इसके बाद इस आटे से पाली तैयार करनी है। पाली तैयार करने के लिए इसे दोनों तरफ से चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद इसे एक चश्मे का आकार देंगे। पाली तैयार होने के बाद इसको पेशेंट की आंखों के चारों ओर लगाना है। लगाने के लिए यहाँ पर आटे का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पाली को कुछ इस तरह से फिक्स करना है कि उसमें से मेडिकेटेड घृत बाहर ना निकले। पाली की कुल ऊंचाई लगभग 2 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पाली के फिक्स होने के बाद इसमें सुखोष्ण घृत को डालना है। सुखोष्ण यानी ल्यूकवॉर्म। घृत को कुछ इस तरह से डालें कि यह पूरी पाली में अच्छी तरह से भर जाए। घृत को डालने के लिए रुई के फाहे अथवा स्पॉन्ज का प्रयोग करें। पेशेंट को आंखें घुमाने के लिए कहें। आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कहें। घृत के ठंडा हो जाने पर इसे रूही के फाहे अथवा स्पॉन्ज की मदद से बाहर निकालें एवं दोबारा ल्यूकवॉर्म घृत को पाली में डालें। इस पूरे प्रोसेस को करने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इस प्रोसीजर के कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को हेड मसाज देनी है। उसके पश्चात पेशेंट को स्टीम लेने के लिए कहना है। यहाँ पर दशमूल काढ़े का उपयोग किया गया है। अंत में पेशेंट की नाक में महात्रफला घृत की 8-8 बूंदें डालनी हैं। यह सुखोष नहीं होना चाहिए। पेशेंट को इसे खींचने के लिए कहना है जिससे यह घृत गले में आ जाएगा। घृत को निगले नहीं, इसे थूक दे। इसके पश्चात गागल करना है और इसके साथ ही यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।